Hey, what's up guys? Welcome back my YouTube channel Asu Vlogs. तो अभी हम निकल चुके हैं संग्रामपुर के लिए. जो आज की जो राइड होने वाली है वो जम्मू टू संग्रामपुर होने वाली है. तो वीडियो पे बने रहिए हमारे साथ. और हमारे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू अपडेट दूंगा तो आप तक पहुंच जाए. तो अभी जम्मू से निकल चुके हैं, अभी अभिक्रमा क्रॉस कर रहे हैं. पिछली ब्लॉग में देखा होगा मैंने अपनी जो बाइक ली है उसकी पूजा करवाई थी. मैं सोच रहा हूँ इस बाइक का कुछ नाम रखूँ, तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा क्या नाम रखें. और ये रहा सामने पत्नीश्वर मंदिर, आप देख सकते हैं. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं. ये रहा सामने मंदिर है. सामने स्टेशन रोड चली जाती है जम्मू स्टेशन रोड, और इधर से हम लोग निकलेंगे बाईपास होके हुए. और भाई साहब जो पेट्रोल की जो कीमत बढ़ती जा रही है ना, क्या ही बोले. तो अभी चलते हैं इसमें डलवाते हैं. तो हमने पेट्रोल डलवा दिया है और हम लोग अब निकलते हैं सीधे संग्रामपुर की ओर. दोस्तों यहाँ से संग्रामपुर ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर है. और अभी हम बाईपास होके जाने वाले हैं. यहाँ से अभी हम लेफ्ट टर्न लेंगे, ये सीधे आप देवगढ़ जसीडीह जा सकते हैं. इधर से आप लक्ष्मीपुर होते हुए आप गंगटा, उसके बाद संग्रामपुर और भीम बांध जो अभ्यारण्य है वो से हम 20 से क्रॉस करने वाले हैं. तो वीडियो में बने रहिए. अभी सामने नीचे देख सकते हैं ये मालगाड़ी क्रॉस कर रही है. ये सामने इधर आप जो झंडा देख रहे हैं वो नेशनल फ्लैग, वो स्टेशन है और ये रूट वाली जाती है. अब देख सकते हैं सामने जो नेशनल फ्लैग है. और इधर माउंटेन है. अब से रेगुलर मोटो व्लॉग आने वाली है. तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो दोस्तों मैं बिहार को एक्सप्लोर करने वाला हूँ. फाइनली पहले बिहार को एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद मैं ऑल इंडिया राइड भी निकल सकता हूँ. तो अभी लक्ष्मीपुर क्रॉस करके हम लोग अब भीम अभ्यारण जो है, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हम लोग क्रॉस करने वाले हैं. बस अब यहाँ से थोड़ी दूर में शुरू होता है भीम बांध का ये जंगल. तो ये वाला रास्ता चली जाती है उधर दिघी जिनारा के लिए और ये रास्ता अब स्टार्ट होता है भीम बांध जंगल. और यहाँ से जो अब जंगल वो स्टार्ट हो चुका है. और इधर देखिए बस रोड जंगल में काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ज़्यादा बेहतर तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक बनी हुई है. बरसात के दिनों में ये बिल्कुल हरा भरा नज़र आता है और अभी का भी जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे काफ़ी अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पे
जीव जंतु पाए जाते हैं इस जंगल में। आपने देखा होगा घंटा 1 किलोमीटर जो जंगल है वो क्रॉस कर चुके, घंटा 9 किलोमीटर है। तो ये जंगल अप्रॉक्स 10 किलोमीटर का है टोटल, जो जंगल जो रास्ता है बीच से जो गई हुआ है वो 10 किलोमीटर का है। जंगल में कुछ रास्ते कुछ खास नहीं है, इधर चारों तरफ देख सकते हैं, इधर भी पूरे चारों तरफ जंगल है और बिल्कुल जंगल के बीच से जो ये रास्ता जो जाती है जंगल के बिल्कुल बीच से जाती है। जंगल के बीच से अगर क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा टर्न है, तो टर्न पे थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान दे के रखें क्योंकि आगे से जो बड़ी गाड़ियां हैं वो अचानक आ जाती है। जंगल जब भी आप क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल गिने चुने लोग और कुछ कुछ गाड़ियाँ मिलेगी और पूरा जंगल का जो रास्ता है बिल्कुल सुनसान रहता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आते हैं तो आपको अंदर से डर भी लगेगा क्योंकि ये जो रास्ता है बिल्कुल सुनसान है। आप सामने देख सकते हैं एक भी लोग नहीं नज़र आते हैं, शायद कहीं कहीं पर कुछ लोग नज़र आते हैं। मोस्टली लोग इसे दिन में ही क्रॉस करते हैं, नाइट में इसे क्रॉस नहीं करते हैं सेफ्टी रीजन से। अभी देख सकते हैं जो घंटा है वो 7 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम लोग से 3 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ से जम्मू सीमा समाप्त हो जाती है और यहाँ से अब स्टार्ट होती है मुंगेर। तो जम्मू में डबल रोड आपको देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे सिंगल रोड ही देखने को मिलेगा। तो जब भी बड़ी गाड़ियाँ आती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, नीचे से निकलना पड़ता है और काफ़ी तीखा तीखा मोड़ है यहाँ पे। ये व्यू के लिए काफ़ी अच्छा बनाया गया है, लोग ऊपर चढ़ के जंगल का आनंद ले सकते हैं। और इधर लाल मिट्टी होने के कारण ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ का जो पेड़ पौधे हैं बिल्कुल रेड रेड हो चुके हैं। भाई साहब रोड बनाने वालों ने ये कैसी रोड बनाई है, दोनों साइड और बीच में ऐसे छोड़ दिए। अरे भाई बनाओ तो अच्छे से बनाओ, लोगों को इतनी परेशानियां होती है। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सावालाख बाबा और इधर से ये भीमबांध अभ्यारण्य जाती है और सामने है सावालाख बाबा। भीमबांध जो गर्म पानी का जो कुंड है वो उसी रास्ते से अंदर जाती है, वो पीछे वाला रास्ता आपको जो दिखा है। और ये रहे सावालाख बाबा। तो अभी हम प्रणाम करके यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे CRPF वाले वो ड्यूटी करते हैं सेफ्टी रीजन से,
तो अब यहाँ से हम निकलते हैं। यहाँ से जो रास्ता है वो बिल्कुल सिंगल जाती है गंगटा तक। जैसा कि पता है रास्ता बिल्कुल सुनसान मिलने वाला और अचानक गाड़ियाँ, क्योंकि इस रास्ते कोई भी गाड़ियाँ वो बिल्कुल धीरे नहीं चलती है, रास्ते में बिल्कुल स्पीड से निकलती है जंगल के कारण। सवा लाख भवन है वो बिल्कुल जंगल के बीच में, जितनी भी गाड़ियाँ इधर से इस रास्ते से क्रॉस करती है वहाँ पे रुकती है, उसके बाद ही निकलती है। यार भाई साहब बस वाले जैसा कि बताए ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बिल्कुल साइड नहीं देती है, तो आपको ही पहले से ही साइड ले लेना है। अभी का जो मौसम है तो देख सकते हैं बिल्कुल धूप है, और ये जो दोनों साइड जो मिट्टी देख रहे हैं वो लाल होने के कारण, जंगल की मिट्टी लाल होने के कारण दोनों साइड के जो जितने भी पेड़ नज़र आएंगे आपको बिल्कुल रेड रेड नज़र आ रहे होंगे। सिंगल रोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अचानक जो सामने से जो गाड़ियाँ आती है वो बिल्कुल साइड नहीं देती, तो आपको खुद से ही साइड ले लेना है। भाई साहब इधर ऑफ रोडिंग में जगह जगह पे नोटिस लगाया गया है कि रास्ता सकरा है, कृपया धीरे चलें। तो आप भी अगर आते हैं तो बिल्कुल संभल के चलें। और इधर सामने देख सकते हैं बिल्कुल घना जंगल। भाई साहब ये क्या हो रखा है, काफ़ी दिनों के बाद मैं इधर से जा रहा हूँ। सामने जो ट्रक है ये तो साइड देने वाले हैं नहीं, और सामने से भी ट्रक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक साइड मिल पाता है। तो भाई साहब आगे ही निकलना बेहतर है, तो पीछे जो है ना क्या ही बताएं आपको। भाई सब ट्रक वालों ने समझदार था, इन्होंने रास्ता दे दिया। बहुत ऐसे ट्रक ड्राइवर होते हैं जो बिल्कुल रास्ता देने का नाम ही नहीं लेते हैं, बिल्कुल साइड नहीं देंगे, आपको चलना है इनके पीछे पीछे चलिए या तो फिर नीचे से कट लीजिए। ऑलमोस्ट जंगल हम क्रॉस कर चुके हैं, दिन में क्रॉस करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर रात में थोड़ा सा सेफ नहीं है, और ये है CRPF कैंप, तो काफ़ी अच्छा है, शुरू में सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। पहुंच चुके हैं गंगटा, और इधर सामने खरगपुर झील। अगर मुंगेर जाना चंडी स्थान या तो फिर देवघर जाना चाहते हैं तो देवघर भी जा सकते हैं। ये रहा गंगटा का वैष्णवी दुर्गा मंदिर, और सामने आप खरगपुर जा सकते हैं, और इस रास्ते हम लोग जाएंगे संग्रामपुर। सामने ये खरगपुर जाता है और ये रास्ता संग्रामपुर।
तो सामने जो देख रहे हैं ये देख रहा पहाड़, और यहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर है वो जो सामने ऊपर आपको शायद वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन छोटा ऊपर आपको सामने देखेंगे सबसे टॉप पे एक छोटा सा मंदिर है। नीचे भी मंदिर है लेकिन सबसे टॉप पे भी एक मंदिर है। तो यस भोलेनाथ का मंदिर है। तो यहाँ पे पहले काफ़ी बचपन में पूजा करने आया करते हैं लेकिन अभी नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं इसकी भी ब्लॉग आपको जल्द ही देने वाला हूँ। और ये जो ऊपर जाने का जो रास्ता है बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर से रास्ता है, भोलेनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, और इधर छोटे मोटे पहाड़ है। जो यहाँ का ऑलमोस्ट जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। ऊपर जाने का जो रास्ता है वो ये वाली रास्ता अंदर जाती है, और अभी हम लोग संग्रामपुर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मार्केट आपको दिखाते हैं, संग्रामपुर का मार्केट। तो यहाँ पे भाई साहब रोड बन चुकी है, तो पहले काफ़ी प्रॉब्लम आती थी रोड नहीं होने के कारण। ये रहा आपका संग्रामपुर मार्केट। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।